वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, विंडो जो है आपकी वो जीयूआई बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या हम कह सकते हैं कि जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, एंड वो क्या है, एक जीयूआई बेस्ड, जीयूआई मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड जो जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर क्या मिलते हैं, हमें ग्राफिकल एलिमेंट्स मिलते हैं। वहां पे आपको काफी कलरफुल सा, अट्रैक्टिव सा, एक यूजर फ्रेंडली आपको सिस्टम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए जो विंडो है, विंडो एक्सपी है, विंडो 2000 है, उसके अलावा विंडोज 8 है, विंडोज 7, विंडोज 11, काफ़ी सारे विंडोज हमारे पास है। विंडोज के काफ़ी सारे वर्जन यहाँ पे आए हैं एंड एक क्लास के अंदर मैंने आपको विंडोज के ये सभी वर्जन आपके साथ डिस्कस किए थे कि कौन सा वर्जन कब आया, किस वर्जन में कौन सा फीचर ऐड हुआ एंड किस वर्जन से कौन सा फीचर निकाला गया। जैसे कि जो आपकी विंडोज 8 है वहां से आपका स्टार्ट बटन क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था एंड उसके बाद फिर से वो जो नेक्स्ट वर्जन आया आपका उसके अंदर वो ऐड किया गया। लेकिन जो विंडो 8 है वो एक ऐसी विंडो थी जिसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं था। तो इसी तरह से हर विंडो के एक वर्जन में कुछ ना कुछ नया फीचर ऐड हुआ है, किसी से कुछ रिमूव किया गया है। तो ये सारी बातें हमने वो विंडो की क्लास में डिस्कस की थी। एक क्लास के अंदर हमने विंडोज के वर्जन डिस्कस किए थे एंड सेकेंड क्लास के अंदर हमने विंडोज के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था कि डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, सिस्टम ट्रे क्या होती है, टास्क बार, आपका रिसाइकल बीन, फाइल, फोल्डर, डिस्क पीसी, ये सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वो हमने डिस्कस किए थे। अगर ये क्लास नहीं देखी है तो एक बार देख लेना, लिंक आपको वीडियो के एंड में भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस इज नॉट कंपेटिबल विद ओपन ऑफिस राइटर। ये एक क्वेश्चन हमारा ओपन ऑफिस राइटर का मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि ओपन ऑफिस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ओपन ऑफिस में क्या होता है, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है वैसे ही आपका एक ओपन ऑफिस भी होता है, या फिर इसे लिब्र ऑफिस भी कह देते हैं। क्या बोल देते हैं इसे, लिब्र ऑफिस। एंड ओपन ऑफिस में एक हमारे पास राइटर है, जैसे एमएस ऑफिस में वर्ड है, फिर ओपन ऑफिस में आपके पास एक कैल्क होता है जो कि एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, फिर हमारे पास एक इम्प्रेस होता है जो कि एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये तीन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एंड जो फाइल एक्सटेंशन की क्लास मैंने करवाई थी उसके अंदर इन सब की एक्सटेंशन को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर के साथ नहीं मिलता या संगत नहीं है। TXT, डॉक, DOC है ये, ठीक है, DOC, डॉक, SXW, CSV। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, DOC और SXW ये तीनों ओपन ऑफिस राइटर के साथ कंपेटिबल है, पर CSV यहाँ पे कंपेटिबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन, ए स्मॉल पार्ट ऑफ टास्क बार दैट हैज आइकन्स ऑफ बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन इज। टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि चलाने वाले अनुप्रयोगों के आइकन होते हैं वह है, ये हिंदी की बजाय अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो यहाँ पे देखिए टास्क बार क्या है, जब आपका जो डेस्कटॉप आपको दिखाई देता है तो उसमें जो सबसे नीचे बॉटम में आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है जहां पे आपका स्टार्ट बटन है, डेट एंड टाइम आपको शो होती है, वो आपका टास्क बार होता है। एंड उसके अलावा टास्क बार में क्या दिखाई देता है, जितने भी एप्लीकेशंस आपने ओपन की है उन एप्लीकेशन के आइकन्स आपको वहां पे शो होते हैं। तो ए स्मॉल पार्ट ऑफ टास्क बार दैट हैज आइकन्स ऑफ बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशन इज स्टार्ट बटन, क्विक लॉन्च, टास्क बार, सिस्टम ट्रे। तो उसे हम क्या कहते हैं, टास्क बार के उस हिस्से को, वो कंप्लीट टास्क बार है लेकिन जिस हिस्से में आपको वो बैकग्राउंड में चलने वाली, देखिए यहाँ पे देखो कि जो बैकग्राउंड में जो चल रही है उन एप्लीकेशंस के आइकन्स दिखाई देते हैं। अब ये बैकग्राउंड में कौन कौन सी चल रही है, जो आपने एप्लीकेशन ओपन करी वो तो आपको एकदम सामने दिखाई दे रही है, वो बैकग्राउंड में नहीं है,
बैकग्राउंड में आपकी चल रही है, जैसे कि आपका डेट एंड टाइम चल रहा है, ठीक है, आपका नेटवर्क से रिलेटेड आपकी जो वॉल्यूम है वो सारी क्या है आपकी बैकग्राउंड में है, तो वो जो बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशंस के जो आइकन्स आपको दिखाई दे रहे हैं उस पोर्शन को क्या कहते हैं, सिस्टम ट्रे कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी सिस्टम ट्रे। An operating system version designed for use with a tablet PC is Microsoft Windows XP. Tablet PC के साथ उपयोग के लिए डिजाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम संस्करण Microsoft Windows XP है। होम एडिशन, मीडिया सेंटर एडिशन, टैबलेट पीसी एडिशन, नन ऑफ द अबो। तो देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके भी अलग अलग वर्जन आते हैं, कोई आपका वर्जन आपका टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है, कोई मीडिया के लिए आया है, या होम एडिशन होता है, या बिजनेस पर्पस के एडिशंस आते हैं, तो ऐसे अलग अलग एडिशंस आते हैं। तो जो टैबलेट पीसी के लिए जो वर्जन निकाला गया है उसे क्या कहते हैं, टैबलेट पीसी एडिशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, टैबलेट पीसी एडिशन। Which runs on computer hardware and serves as platform for other software to run on. कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर चलता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑल। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पे चलता है, मतलब कि किस पे चल रहा है, वो आपका हार्डवेयर पे चल रहा है, और जो बाकी के सॉफ्टवेयर है उनको चलाने के लिए क्या देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है, तो ये काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यू स्टार्ट अप द कंप्यूटर द बूट अप स्टोरेज एट विच द बायोस वर्जन मैन्युफैक्चरर एंड डेटा आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या प्रारंभ करते हैं तो बूट अप संग्रहण जिस पर बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम संस्करण निर्माता और डेटा मॉनिटर पर प्रदर्शित होते हैं क्या कहलाता है, बूटस्ट्रैप, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, कर्नल लोडिंग। क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हमने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो जो आप उसकी जो बूटिंग कर रहे हो तब जो बायोस वर्जन मैन्युफैक्चरर, जो बायोस के वर्जन मैन्युफैक्चरर के और जो डेटा है वो जो डेटा है मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है उसे क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल टू शट डाउन योर कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा आपके कंप्यूटर को बंद करने के लिए आवश्यक नहीं है, सेव ऑल ओपन फाइल्स, क्लोज ऑल रनिंग एप्लीकेशन, स्विच ऑफ मॉनिटर, कट ऑफ द पावर सप्लाई। जब आपको कंप्यूटर शटडाउन करना होता है तो सबसे पहले आपको अपनी सभी फाइलें सेव करनी है, जितनी भी एप्लीकेशंस चल रही है उनको क्लोज करना होता है, और आपको पावर सप्लाई भी क्या करनी होती है, कट ऑफ करनी होती है, मॉनिटर को स्विच ऑफ करना यहाँ पे असेंशियल नहीं है, ऑप्शन सी। टास्क बार इज यूज्ड फॉर, टास्क बार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, नेविगेशन प्रोग्राम, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम, स्टार्ट ए प्रोग्राम, ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे देखिए जो टास्क बार है वो सभी के लिए यूज होता है, नेविगेशन प्रोग्राम के लिए भी, स्विचिंग करने के लिए भी, और प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए भी, ऑल ऑफ द अबोव। विंडोज डिस्प्ले वेरियस ऑप्शंस टू शट डाउन विच इज सुइटेबल एट द एंड ऑफ डे, विंडोज शट डाउन करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रदर्शित करता है, दिन के अंत में कौन सा उपयुक्त है, शटडाउन, रीस्टार्ट, स्लीप और हाइबरनेट। यहाँ पे देखिए जब आप अपने शटडाउन करते हो सिस्टम को तो आपको ये सभी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं कि आप उसको शटडाउन करना चाहते हो, रीस्टार्ट करना चाहते हो, उसको स्लीप मोड में डालना चाहते हो, या फिर हाइबरनेट मोड में डालना चाहते हो। अब शटडाउन का मतलब तो आपने उसको पूरी तरह से बंद कर दिया, रीस्टार्ट का मतलब आप उसको फिर से स्टार्ट कर रहे हो, स्लीप मोड का मतलब होता है कि आपने उसको पूरी तरह से वो बंद नहीं हुआ है लेकिन वो आपने उसको स्लीपिंग मोड में डाल दिया है। और हम क्या कह सकते हैं कि स्लीप मोड क्या होता है, आपका
स्लीप मोड का मतलब क्या होता है कि स्लीप मोड आपकी एक पावर सेविंग स्टेट है। क्या है आपकी? कि अगर हमसे पूछे कि हमें हमारा सिस्टम ऑन रखना है लेकिन उसमें जो पावर है वो कम कंज्यूम करे, तो पावर सेविंग स्टेट है आपकी एक स्लीप मोड। स्लीप मोड में वो क्या करता है, कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं उन सभी काम को करना वो क्या कर देता है, बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। एंड जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स है आपकी, जितनी भी ओपन एप्लीकेशंस है, उनको वो कहाँ पे मूव कर देगा, सिस्टम मेमोरी में उनको मूव कर देगा। जितने भी ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड एप्लीकेशंस है उनको वो सिस्टम मेमोरी या फिर रैम में क्या कर देता है, मूव कर देता है। और आपका जो कंप्यूटर है वो किस में चला जाता है, लो पावर स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा स्लीप मोड होता है। स्लीप मोड का मतलब कि कंप्यूटर जो है उसमें अभी भी आपने कंप्यूटर को पावर ऑन किया हुआ है लेकिन वो कम पावर को यूज कर रहा है, वो क्या होता है, हमारा स्लीप मोड होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक इसमें हाइबरनेट है। हाइबरनेट भी आपका स्लीप मोड की तरह ही होता है, आप समझ सकते हो, ज्यादा डिटेलिंग में तुम मत जाओ, लेकिन हाइबरनेट में भी क्या होता है, ये कम पावर ही कंज्यूम करता है देन दी स्लीप मोड। हाइबरनेट भी क्या है, आपका जितने भी काम है वो स्टॉप हो जाते हैं, आपका सिस्टम अभी भी ऑन है और ये कम पावर कंज्यूम करेगा देन दी स्लीप मोड। ठीक है, तो ये क्या है, आपका हाइबरनेट मोड होता है। वैसे डिफरेंस होता है हाइबरनेट एंड स्लीप मोड में, लेकिन इतनी डिटेलिंग की आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो, ये शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट, ये ऑप्शंस देखने की शॉर्टकट की क्या रहेगी, ऑल्ट प्लस F4। जब आप ऑल्ट प्लस F4 यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, विंडोज डिस्प्ले वेरियस ऑप्शंस टू शट डाउन विच इज सुइटेबल एट द एंड ऑफ डे। एंड ऑफ डे मतलब कि इसके बाद अपने आप अपने कंप्यूटर को स्टार्ट नहीं करोगे, वो आपका लास्ट वर्क है उस दिन का, तो आप क्या करोगे, शट डाउन करोगे। ऑप्शन ए क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू ड्राइवर्स। नए ड्राइवर स्थापित करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, हाइबरनेट। जब आप कोई भी एक न्यू एप्लीकेशन या कोई न्यू ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो वो बाद में आपको क्या कहता है कि सभी सेटिंग्स को अच्छे से अपडेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। अंडरलाइन टेक्स्ट सच एज टेक्स्ट एंड फोल्डर नेम्स इज रेफर्ड टू एज। रेखांकित पाठ जैसे पाठ और फोल्डर नाम को किस रूप में संदर्भित किया जाता है, हाइपरलिंक, मेन्यू, सोर्स ड्राइव, नन ऑफ दीज। क्या मतलब है कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट या फोल्डर नेम जिसके नीचे इस तरह से अंडरलाइन लगी हुई है, उसका मतलब क्या होता है कि वो एक हाइपरलिंक है। अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो कुछ एक नया डॉक्यूमेंट, नया पेज ओपन होके आपको मिलेगा। व्हाट इज डॉक्टर वाटसन, आईटी एक्सपर्ट, डायग्नोसिस टूल, सर्जन, नन। तो डॉक्टर वाटसन ये क्या है, ये एक डायग्नोसिस टूल है। डॉक्टर वाटसन क्या है, एक डायग्नोसिस टूल है। एंड डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में कोई भी डायग्नोसिस का मतलब होता है कि ये चेक करना कि आपके सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है एंड उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है। ठीक है, तो वो होता है डायग्नोसिस करना, आप अपने सिस्टम का क्या कर रहे हो, डायग्नोसिस कर रहे हो। एंड डॉक्टर वाटसन एक डायग्नोसिस टूल है। The operating system is the most common type of software. Operating system software का सबसे आम प्रकार है। Communication application system, word processing software. Operating system एक system software है। When a peripheral device needs immediate attention from the operating system, it generates a जब एक परिधीय उपकरण को ऑपरेटिंग सिस्टम से तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है तो यह एक उत्पन्न करता है, इंटरप्ट, स्पूल, स्टैक, पेज फाइल। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लो वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, फिलहाल वो कोई एक काम कर रहा है एंड देन उसको एक और रिक्वेस्ट आई है और वो जो रिक्वेस्ट आई है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अभी मान लो कि वो एक फाइल को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक फाइल को प्रिंट कर रहा है,
सिंपल सा एग्जांपल है, एक फाइल को वो प्रिंट कर रहा है एंड अभी उसके पास एक और प्रिंट कमांड आई है जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, ठीक है। तो अभी वो क्या करेगा, अपने इस काम को अभी फिलहाल के लिए रोक देगा एंड जिस काम की प्रायोरिटी हाईएस्ट है उस काम को वो पहले करेगा। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं, कि अभी फिलहाल कोई काम कर रहा था एंड बीच में कोई और रिक्वेस्ट आ गई जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान देने की आवश्यकता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट कहते हैं, कि बीच में क्या आ गया, इंटरप्ट आ गया। अगर उस रिक्वेस्ट की प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो पहले वो काम परफॉर्म किया जाएगा एंड अगर उस प्रोसेस की या रिक्वेस्ट की प्रायोरिटी लोएस्ट है तब उसको क्या किया जाएगा, बाद में परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इंटरप्ट होता है। विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज, विंडोज शुरू करते समय कौन सा मोड ड्राइवरों को न्यूनतम सेट लोड करता है, सेफ मोड, नॉर्मल मोड, वीजीए मोड, नेटवर्क सपोर्ट मोड। देखो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मोड होते हैं। जब आप अपने विंडो को स्टार्ट करते हैं तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड वहां पे होते हैं एंड इनमें कौन सा एक ऐसा मोड है जिसमें कम से कम ड्राइवर को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, तो वो होता है आपका सेफ मोड, ठीक है। सेफ मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर क्या किया जाता है, कम से कम ड्राइवर्स को इंस्टॉल किया जाता है एंड ये सेफ मोड क्या होता है, तो देखो सेफ मोड का मतलब है सेफ मोड का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हो। अगर मैं आपके एंड्रॉइड मोबाइल फोन का एक एग्जांपल दूं तो उसमें जितने भी आपके डाउनलोडेड एप्स होती है ना, जितने भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड की है वो ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाती है एंड जो बिल्ट इन एप्स होती है केवल वही क्या होती है, अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरह से सिंपल सा एग्जाम्पल है आपके सेफ मोड का। विच कमांड इज यूज टू सी द वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण को देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, VOL, VOL, वर्जन, वेर या नन ऑफ द अबोव। तो वेर का किया जाता है, वेर की फुल फॉर्म रहेगी वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लोडेड इन सेफ मोड, निम्नलिखित में से कौन सेफ मोड में लोड किए गए हैं, कीबोर्ड ड्राइवर, वीजीए ड्राइवर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबोव। तो देखो जो सेफ मोड है उसमें ये तीनों ही ड्राइवर्स क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं, कीबोर्ड ड्राइवर भी, वीजीए ड्राइवर भी एंड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तीनों क्या होते हैं, सेफ मोड में इंस्टॉल होते हैं। द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड वन लाइक विंडोज इज दैट, जो लिनक्स है आपका वो आपका ओपन रहेगा, ओपन सोर्स है एंड विंडो जो है वो ओपन सोर्स नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, इसका सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल होता है, लिनक्स को यूज करने के लिए आपको कोई फी, कोई अमाउंट वहां पे नहीं देनी होती, लेकिन जो विंडो है इसका क्या करना पड़ता है, आपको एक लाइसेंस्ड वर्जन लेना होता है। लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच आवश्यक अंतर यह है कि विंडोज कैन रन विद एन इंटेल प्रोसेसर वेयर एज लिनक्स कैन नॉट, लिनक्स इज ए प्रोप्राइटरी वेयर एज विंडोज इज नॉट, देयर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ लिनक्स बट ओनली वन वर्जन ऑफ विंडोज, एनी प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई लिनक्स कोड विच इज नॉट परमिटेड विद विंडोज। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ए बार दैट इन्फॉर्म यू द अवेलेबल ऑप्शंस इन योर कंप्यूटर ओपन्ड एप्लीकेशंस बैकग्राउंड रनिंग एप्लीकेशंस एंड कैन बी यूज्ड टू स्विच बिटवीन क्विक एप्लीकेशंस क्विकली इज, एक बार जो आपको आपके कंप्यूटर में उपलब्ध विकल्पों, खोले गए एप्लीकेशन, पृष्ठभूमि चलाने वाले अनुप्रयोगों को सूचित करता है और अनुप्रयोगों के बीच ये एप्लीकेशंस होती है जल्दी से स्विच करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, टास्क बार। तो ऊपर मैंने अभी आपको बताया ही है, इसका आंसर क्या रहेगा, टास्क बार।
विच इज द लेयर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। जो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता प्रोग्राम के बीच एक कंप्यूटर सिस्टम की परत है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम एनवायरनमेंट और नन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक लेयर है। विच कंपोनेंट्स अपीयर इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले। प्रारंभिक विंडोज स्टार्टअप डिस्प्ले में कौन से घटक दिखाई देते हैं? डायलॉग बॉक्सेस, स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, नन ऑफ द अबोव। कि जब आप विंडोज को अपनी स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल विंडोज जब हो रहा है, तब आपको क्या दिखाई देता है? इनमें से आपको टास्क बार दिखाई देता है। स्टार्ट मेन्यू भी आपका टास्क बार में ही आ जाता है, तो क्या दिखाई देता है हमें? टास्क बार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जिसके अंदर हमने विंडोज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो और क्लास कैसी लगी ये भी बता सकते हो। ओके, थैंक यू।